एक ऐसी इंडियन टूरिज्म कंपनी जिसका इंडियन टैग टूरिज्म में 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, कंपनी जो कि 3 टैग टूरिज्म प्लेटफॉर्म ओन करती है, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो एंड रेड बस। कंपनी इज वर्स्टली हिटेड बाय कोविड पेंडेमिक। कंपनीज बिजनेस इज ऑलमोस्ट 95% डाउन ड्यूरिंग Q1, दैट इज क्वार्टर एंडेड जून 2020। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए हर्षित बिंदल। आज हम लोग फॉर्ब्स 2021 के फैब एडिशन में कवर्ड एक पॉजिटिव स्टोरी पर डिस्कस करने वाले हैं, हाउ मेक माई ट्रिप सर्वाइव कोविड पैंडेमिक एंड डिसीजंस टेकन बाय इट्स ग्रुप चेयरमैन मिस्टर दीप कालरा एंड इट्स ग्रुप सीईओ मिस्टर राजेश फॉर सर्वाइवल ऑफ मेक माई ट्रिप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये छोटी सी पॉजिटिव अप्रोच पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आफ्टर ऑल, दिस इज द ओनली रिजल्ट आई गेट फ्रॉम योर साइड। मैं ऐसे ही कुछ पॉजिटिव स्टोरीज कवर करता हूँ बिजनेस मैगजीन्स में से, उनके ऊपर ब्लॉग्स बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पूरे टॉपिक के लिए मैंने कुछ 2 लाइंस लिखी हैं, गौर फरमाइएगा। नाव कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, तूफान उसे डुबा ही देता है। नाव कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, तूफान उसे डुबा ही देता है। मजबूती तो कप्तान के इरादों में होती है, जो मुश्किल से मुश्किल तूफान में भी नाव को पार लगा देता है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए मिस्टर दीप कालरा ने, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, और इन डिसीजन से आप कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कंपनी की कुछ फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्कस करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म को समझना बहुत जरूरी है, विच इज एडजस्टेड मार्जिन। एडजस्टेड मार्जिन इज सिंपल रेवेन्यू एज पर IFRS, एड कस्टमर इंड्यूसमेंट कॉस्ट और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एंड लेस द सर्विस कॉस्ट फॉर कस्टमर्स, एंड हियर इट कम्स एडजस्टेड मार्जिन। सो अगर हम एडजस्टेड मार्जिन को देखें तो इन 9 मंथ FY21 कंपनी हैज़ अर्नड अ 94 मिलियन US डॉलर, ऑफ विच 45% इज ऑफ एयर टिकटिंग शेयर, 34% इज ऑफ होटल्स एंड पैकेजेस शेयर, एंड 12% इज फ्रॉम बस टिकट शेयर्स, एंड रिमेनिंग 9% इज फ्रॉम अदर्स, एज यू मे सी इन द चार्ट। एंड इफ वी कंपेयर एडजस्टेड मार्जिन ऑन पीरियडिकल बेसिस, सो यू मे सी दैट इन द चार्ट दैट इन 9 मंथ FY20 कंपनी अर्नड अ टोटल ऑफ 586 मिलियन US डॉलर्स, वेयर एज इन 9 मंथ FY21 कंपनी हैज अर्नड ऑनली 94 मिलियन US ड�लर, विच इज 84% डिक्लाइंड। And if we compare on quarter third, then you may see that in quarter third FY20 company earned a total of 207 million US dollars, whereas in quarter third FY21 company earned only 64 million US dollars. So it is declined by 69%. Now friends, the most important term in tourism business is unit metrics. The most units, the more the units, the more the business. So in 9 month FY21 company earned their revenue from 26 million units, of which, as you may see in chart, that 52% is from bus ticketing and 32% is from air ticketing and 16% is from hotels and packages. And now if we compare this unit metrics on periodical basis, then you may see that company has a total of 117 million units in 9 month FY20, whereas in 9 month FY21 only 26 million units was there. So there was a decline of 77% business in this period on the basis of units. Now coming to the magical performance of the company, in this chart you may see that company in quarter 1 FY21 had earned only a 7 million US dollars in compared to quarter 4, where the company had earned a 137 million US dollar. This sudden dip is covered in next quarters through
through the decisions taken by the management. In quarter two, you may see that $23 million, and in quarter three, you may see that there is a $64 million of adjusted margin. The only safe ship in a storm is लीडरशिप। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आप इस कंपनी के सीईओ होते तो आप इस कंपनी के सर्वाइवल के लिए क्या डिसीजंस लेते? द सेकेंड क्वेश्चन विल बी, हु विल बी योर मेजर कॉम्पिटिटर पोस्ट लॉकडाउन? तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ने जो सबसे पहला डिसीजन लिया, द फर्स्ट एंड ओनली नेगेटिव एंड हार्ट ब्रोकन डिसीजन वॉज टू रिड्यूस देयर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बाय 350 एम्प्लॉयज। दिस डिसीजन वॉज टेकन टू ओवरकम द ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। द सेकेंड डिसीजन वॉज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। आप लोगों को तो मालूम ही है, जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, जो जहां था वहीं का वहीं अटक गया। कई लोगों ने फ्लाइट्स की टिकट बुक करा रखी थी और वो फ्लाइट्स की टिकट ना तो कैंसिल हो रही थी, ना ही एयरलाइंस के पास इतना पैसा था कि वो रिफंड इशू कर सके। ऐसे समय में एमएमटी ने ही, यानी मेक माई ट्रिप ने ही, अपने कस्टमर्स को सपोर्ट किया और पॉइंट्स इशू करवाए। ये पॉइंट्स वो फ्यूचर में किसी टिकट्स के परचेज करने में यूटिलाइज कर सकते थे, और ये नॉन कैश टेक्निक वाकई में बहुत काम कर गई और कस्टमर्स का मेक माई ट्रिप में फेथ बढ़ गया। द थर्ड डिसीजन वॉज एनहांसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। जहां लोग लॉकडाउन खुलने के बाद भी बाहर निकलने से डर रहे थे, वहीं मेक माई ट्रिप ने हाइजीन कैब सर्विस और हाइजीन होटल सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। इससे लोगों में बाहर निकलने का और टूरिज्म का डर खत्म हुआ। द फोर्थ डिसीजन वॉज टू फोकस ऑन रिवाइवल स्ट्रेटेजी। कंपनी ने लॉकडाउन को बेटर यूटिलाइज करते हुए लॉकडाउन के बाद अपनी रिवाइवल स्ट्रेटेजी पर फोकस किया। कंपनी ने अपने फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स से फाइट करने के लिए भी स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर की। यहां पर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म्स, मींस टीम्स, जूम मीटिंग्स एटसेट्रा, आर द मेजर कॉम्पिटिटर्स नाउ अडेज फॉर दिस टेक टूरिज्म कंपनी। बट कंपनी के सीईओ मिस्टर राजेश के अकॉर्डिंग, कॉर्पोरेट मीटिंग्स विल रिड्यूस टू ओनली सम एक्सटेंट ड्यू टू दीज वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स। इन फ्यूचर ऑल्सो द मीटिंग्स विल हैपन, द फिजिकल मीटिंग्स विल हैपन फॉर एग्जीबिशंस, फॉर इवेंट्स, फॉर डील फाइनलाइजेशंस। यू कांट ओवरकम दीज मीटिंग्स ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स। ऑल्सो कंपनी हैज प्रोवाइडेड स्पेशल चार्टर्स टू कॉर्पोरेट्स, एंड दीज वर द मेजर डिसीजंस टेकन बाय द कंपनी। नाउ इफ यू लुक बैक द डिसीजंस, द फर्स्ट डिसीजन वॉज टू क्रिएट कस्टमर फेथ। द सेकेंड डिसीजन वॉज समटाइम्स यू हैव टू टेक नेगेटिव डिसीजंस टू बी इन द मार्केट। द थर्ड डिसीजन वॉज फोकस ऑन द पॉसिबल सॉल्यूशन टू ओवरकम द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। इसके अलावा कंपनी ने गवर्नमेंट को आरोग्य सेतु ऐप डेवलप करने में और वंदे भारत मिशन में भी काफी हेल्प की थी। इस तरीके से कंपनी ने अपने एक बेटर मैनेजमेंट और एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पब्लिक के सामने पेश किया। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।